Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. In today's video, I am going to analyze जो आज special CSS में English essay का paper आया है. I've been telling my students कितना मुश्किल paper नहीं होगा और expectations उससे अच्छी रखें और मेरे ख्याल से expectations के according ही paper आया है. Like what I have been telling my students मेरे हिसाब से तो उस expectation के according ही आया है. अब आई डोंट नो आप में से किसी ने अगर मेरी वीडियो देखी थी तो एक टॉपिक तो एग्जैक्टली वो आया जो मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से आप इन इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लें. एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द पेपर. इट मैटर्स नॉट व्हाट समवन इज बॉर्न बट व्हाट दे ग्रो टू बी. और अगर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे हमारा मॉक पेपर अभी कुछ दिन पहले हुआ था उसमें भी मैंने ये टॉपिक नंबर 2 पे दिया हुआ है. सो ये तो एज इट इज आ गया था. दिस वॉज एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक और इसको आपने जैसे मैंने आप लोगों को क्लासेस में बताया हुआ होता है डिफरेंट उसको इंडिविजुअल सोसाइटल लेवल पे नेशनल और ग्लोबल लेवल पे आपने इसको ब्रेक डाउन करके इसकी आउटलाइन बनानी है. तो इसको इसी तरह से बनाना था. देन द सेकंड वन इज डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ दिस इज एन एक्सपोजिटरी टॉपिक लेकिन अगर आप इसको आर्ग्यूमेंटेटिव किस टाइप में लेके जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं बिकॉज इस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट भी जनरेट हो सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इतना फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं जनरेट हुआ होता है इन द इंटरनेशनल एरेना कि वो इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स उस तरह से एक्वायर कर सकें. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. अगर दैट एंड देरी होती तो आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर दिस वन. नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मैं बहुत दफ़ा अपनी बहुत वीडियोज में बता चुकी थी और स्टूडेंट्स को मैंने बताया हुआ था कि ए आई पे तो लाजमी एक्सपेक्ट करें कि ऐसे आएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स. नाउ अगेन दिस इज एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का टॉपिक तो आप इसके जिस भी साइड पे जाना चाहें फेवर में जाना चाहें अगेंस्ट जाना चाहें यू कुड हैव अटेम्प्टेड यू कुड अटेम्प्ट इट. उसके बाद नो लेगेसी इज सो रिच एज ऑनेस्टी. अगेन एब्स्ट्रैक्ट ऐसे इसको भी डिविजन जैसे मैंने पहले बताई एब्स्ट्रैक्ट ऐसे की उस तरह से डिवाइड करके अटेम्प्ट किया जा सकता था. सोशल मीडिया हैज डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन. अगेन डिबेटेबल है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का टॉपिक है और इसको आप अगर इसके फेवर में जाना चाहें आई थिंक तो ज़्यादा पॉइंट्स फेवर में बनते हैं. हाउएवर फेवर में अगर टॉपिक के फेवर में नहीं जाते सोशल मीडिया के फेवर में जाते हैं तो तब भी काफ़ी सारे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता के फिर उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन वाले एस्पेक्ट को लेके उस तरह से डिस्कस किया जा सकता था. ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी अगेन अ वेरी ट्रिकी टॉपिक और इसमें आप अब ग्लोबलाइजेशन को ऑस्टेरिटी के एंड के साथ रिलेट करते हुए आई थिंक इसको ज़रा पास्ट के साथ रिलेट करके मर्केंटलिज्म एंड मूविंग ऑन और फिर 19th सेंचुरी की बात करते हुए 20th सेंचुरी की बात करते हुए उस तरह से अगर अपनी आउटलाइन को क्रोनोलॉजिकली ड्रॉ करें तो मेरे ख्याल से उस तरह से फिर आगे चल के ग्लोबलाइजेशन के साथ रिलेट किया जा सकता है. चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक. और दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि डू नॉट गिव समवन अ फिश बट टीच देम हाउ टू कैच अ फिश. तो ये वही चीज़ है. दिस इज लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगैन एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन इसको भी अगैन आप इंडिविजुअल लेवल पे स्टेट लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे अगर एनालाइज करें तो बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं. पाकिस्तानी वीमेन हैव द सेम चांसेस एज मैन. अगैन दिस इज आर्गुमेंटेटिव टॉपिक. देखिए स्टेटमेंट्स की फॉर्म में जो भी टॉपिक्स आते हैं उनको स्टेटमेंट देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना. जब मैं क्लासेस में पढ़ा रही होती हूँ मैं यही बता रही होती हूँ आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव वैसे स्टेटमेंट की फॉर्म में हो सकता है बट वो स्टेटमेंट पढ़ के एकदम से आपके माइंड में अगर उसी स्टेटमेंट का काउंटर आर्गुमेंट आता है तो दैट मीन्स कि आपने उसको डिबेटेबल ऐसे बनाना है. आपने लकीर के फकीर नहीं बन जाना. यूनिपोलर बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आप बताएं कि दुनिया की डायरेक्शन क्या है या किस तरफ से किस तरफ जा रही है. ऑन द वे टू मल्टीपोलैरिटी है या क्या है. सो अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. फिर सोशली विथ हार्डशिप्स कम ईज. अगेन ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है और इसकी भी डिवीजन आप इसी तरह से इंडिविजुअल लेवल पे और नेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे कर सकते थे. और टॉपिक्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्योंकि स्पेशल सीएसएस था तो कुछ टॉपिक्स एग्जामिनर ने वो दिए हैं जो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड थे. जो टॉपिक्स एब्स्ट्रैक्ट दिए हैं वो भी इस तरह के हैं कि अंडरस्टैंडेबल और डूएबल थे. तो आई विश ऑल दोज हु हैव अपीयर्ड इन स्पेशल सीएसएस अ वेरी गुड लक और डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया. टिल देन अल्लाह हाफिज़.